नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको मैक्रम सिखा रही हूँ। और मैक्रम में जो मेन होती है स्क्वायर नॉट, वो मैंने आपको बता दी। और जो स्क्वायर नॉट होती है वो कुछ इस तरह की होती है, मेन जो होती है वो कुछ इस तरह की है। लेकिन इसी में हम एक दूसरा वर्जन ले रहे हैं, मतलब इसमें हमने मोती डाले हुए हैं। मोती डालने के लिए हम इसमें दो कलर भी ले सकते हैं, एक कलर का भी बना सकते हैं और दो कलर भी हम इसमें ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम दो डोरियां इसकी ले लेंगे और दो डोरियां जो है वो बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद में जैसे ये एक साथ डली हुई है, उसी तरह से हम इसको ऊपर से डालेंगे और इसके अंदर से जितने ये धागे हैं ये हम खींच लेंगे इस तरह से। ये हमने इसको टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद में हम स्क्वायर नॉट बिल्कुल सिंपल वाली बना रहे हैं। ये जो है जो लेफ्ट वाला जो धागा है इसको हमने फोर का नाप लिया, बिल्कुल फोर वाला शेप दे दिया, फिर ये फोर बन गया, राइट वाला इसके ऊपर आ गया। ऊपर से वापस से लेफ्ट वाले जो भाग है उसमें से हम इसको निकालेंगे। इसको हमको थोड़ा फिक्स करने के लिए टाइट करना पड़ेगा, एक या दो बार टाइट करेंगे फिर ठीक हो जाएगा। फिर ये जो नीचे की साइड से निकला हुआ है इसको ऊपर लेंगे और जो ये ऊपर की साइड से निकला हुआ है ये ऊपर रहेगा और राइट साइड से हम इस स्ट्रिंग को निकालेंगे। तो ये वी शेप आ गया और सी शेप आ गया। वापस नीचे ये है, ऊपर ये है। तो नीचे की साइड वाला हम सबसे पहले लेंगे और ऊपर की साइड वाला बाद में, ऊपर की साइड से लेफ्ट साइड में निकल जाएगा और इस तरह से ये बन जाएगी। फिर ये नीचे है ये ऊपर है, तो नीचे वाला पहले, फिर ऊपर वाला ऊपर से आके और राइट में ये निकल जाएगा। इस तरह से हमने जैसे इसमें दो बनाए इसमें भी बना दिए। अब जो ये दो डोरियां हैं इसके अंदर हम एक मोती डाल सकते हैं। इसका जो मोती हम लेंगे वो थोड़े से, उनके जो मुंह होंगे वो थोड़े से मोटे होने चाहिए, जिससे कि दो डोरी एक डोरी आराम से इसके अंदर हम डाल सकें। इसको थोड़ा सा जो है वो ट्विस्ट अगर आप करेंगे तो जल्दी से निकल जाएगी। दूसरी तरफ से एक तो डोरी जल्दी निकल जाती है, दो में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये मैंने ये डाल दी। दो भी डाल सकते हैं, एक डाल के मैं बता रही हूँ, एक वापस से और डाल सकते हैं। अब जब हम इसको करेंगे तो इस तरह कर लेंगे वापस से कि ये जो नीचे की साइड है वो पहले आएगा, ऊपर की साइड वाला बाद में। और हमने जैसे ऊपर स्क्वायर नॉट बनाई थी वैसे ही ऐसे बना दी। फिर ये नीचे की साइड है, पहले इसको लेंगे, फिर ये लेफ्ट वाला इस तरह से, और ये हम इस पूरी नॉट को पहले इसको थोड़ा सा टाइट किया और ये नॉट बन गई। वापस से ये नीचे की साइड है तो हम इसको इस तरह से ले लेंगे, इसको सीधी रखेंगे बीच वाली येलो को इस तरह से। फिर जो ये नीचे है वो पहले आएगा और राइट साइड वाला इस तरह से आ जाएगा। ये दो बन गई। अब हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि वापस से एक मोती डालेंगे इस जगह, वापस से हम ये जो दो ये हैं इनको इसमें पिरो देंगे। और अगर हमको दूसरा कलर करना है तो हम दूसरे कलर से भी स्विच करके बना सकते हैं या फिर सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। तो इसको ये इस तरह से डाल दिया। ये डालने के बाद में आप इसको फिक्स कर दें इस जगह। फिक्स करने के बाद में अब ब्लू से हम नहीं लेंगे, ब्लू को हम इस तरह से ले लेंगे और येलो से हम इसको बना सकते हैं। ये येलो से, ये पहले ये ले लिया एक लेफ्ट और ये राइट लेके, और इस तरह से हमने ये शेप दे दिया। फिर ये नीचे है ये पहले आएगा, लेफ्ट वाला बाद में आया है इस तरह से।
फिर ये नीचे है, ये पहले आएगा और ये इस तरह से, फिर ये नीचे है तो ये पहले और ऊपर वाला बाद में, इस तरह से। तो ये जो है वो शिफ्ट भी कर सकते हैं हम, मतलब येलो के बाद में ब्लू और ये ऐसे शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्क्वायर नॉट ही है जो पहले बताई थी, जो ये वाली नॉट है वही है ये सेम, लेकिन इसका थोड़ा वेरिएशन आ गया कि इसमें बीच बीच में हमने मोती डाल दिए हैं। हम दो दो मोती भी डाल सकते हैं और एक एक मोती भी डाल सकते हैं, और एंड में हम इसको बिना मोती के भी फिनिशिंग दे सकते हैं। ये देखिए बिना मोती के फिनिशिंग भी दी है क्योंकि ऊपर मोती आए हुए हैं, और इस तरह से हम स्टार्टिंग इस तरह से करेंगे। तो ये हुआ स्क्वायर नॉट का दूसरा एक रूप। ठीक है, थैंक यू।